to innovate new technology and scientific techniques which work in union with laws of nature and not opposed to it. देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ये एक उद्देश्य भी है कि नए नए टेक्नोलॉजी का इजाद करना और साइंटिफिक टेक्निक्स का भी इजाद करना, जिससे जो कि नेचर के साथ तालमेल रख के नेचर के लॉज को फॉलो करके काम करें, ना कि नेचर के विपरीत काम करें। और जितने भी डेवलपमेंट पॉलिसीज है, जितने भी देशों द्वारा, विश्व के जितने देशों द्वारा डेवलपमेंट जो भी पॉलिसीज लिया जा रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन किया जा रहा है, या जो भी औद्योगिकरण या जो भी डेवलपमेंट पॉलिसीज प्लान्स लिया जा रहा है, उनका रिस्क और बेनिफिट जो एनालिसिस है उसको शेयर करके ही, उसको मतलब ये लेक में लेके ही मतलब कोई भी डेवलपमेंट पॉलिसीज करना है विश्व का। जैसे कि कोई भी डेवलपमेंट पॉलिसी या स्टेप्स प्रकृति के लिए हानिकारक ना हो लॉन्ग टर्म पे। तो ये एक उद्देश्य है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, ऑब्जेक्टिव है। टू रेस्पेक्ट डाइवर्सिटी एंड इन्वॉल्व लोकल एंड इंडिजिनियस कम्युनिटीज फॉर मोर ग्रास रूट्स ओरिएंटेड एंड रेलेवेंट डेवलपमेंट पॉलिसीज। अभी देखिए जितनी भी डाइवर्सिटी है और मतलब इतनी प्राकृतिक या लोगों में जितनी भी डाइवर्सिटी है उन सबको रेस्पेक्ट करना है। जितनी भी कल्चरल डाइवर्सिटी है या रीजनल डाइवर्सिटी है या जो भी स्थानीय लोग हैं, इंडिजिनस कम्युनिटी है, उनको या मतलब उनको उनका रेस्पेक्ट, उनकी कल्चरल इश्यूज या उनका सेंटिमेंट को रेस्पेक्ट करते ही मतलब ग्रास रूट लेवल में कोई भी डेवलपमेंट पॉलिसीज लेना है। मतलब एकदम पूरा जो जड़ से, जितना मतलब एकदम स्थानीय लोगों का डेवलपमेंट से स्टार्ट होना चाहिए। एकदम लोकल इंडिजिनियस लोग जो है उनकी सेंटिमेंट, उनकी कल्चरल डाइवर्सिटी को या स्थानीय जो कल्चर है उसको रेस्पेक्ट में लेके, उसको लेक में लेके कोई भी डेवलपमेंट पॉलिसीज लेना है। और इससे क्या होगा, मतलब जितनी भी इकोनॉमिक वाइब्रिटी है, कोई भी पॉलिसी आर्थनीतिक रूप से कितना वाइबल है या कल्चरल एनवायरमेंटल वैल्यूज को अगर में वैल्यूज को भी वैल्यूज की में खारा उतरता है कि नहीं, और ये सब चीज़ों को लेक में लेके ही कोई भी डेवलपमेंट पॉलिसीज करना है, जिससे कि डेवलपमेंट पॉलिसीज किसी की हानि ना करे, स्थानीय लोगों की कल्चर सेंटिमेंट को नुकसान ना करे और एनवायरमेंटली और इकोनॉमिकली वायबल भी हो। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो पांचवा ऑब्जेक्टिव है ये डिसेंट्रलाइज गवर्नेंस इंस्टीट्यूट। जितने भी गवर्नेंस इंस्टीट्यूशंस है उनको डिसेंट्रलाइज करना है, मतलब उनको विकेंद्रीकरण करना है, जिससे कि ग्रास रूट लेवल तक डेवलपमेंट पॉलिसीज जाए और ग्रास रूट लेवल तक मतलब डेवलपमेंट पॉलिसीज हो, और उनको मोर रेजिलिएंट बनाना है, ट्रांसपेरेंट बनाना है और अकाउंटेबल बनाना है लोगों के लिए। और इसके लिए क्या होगा, होना पड़ेगा एक ओपन इंक्लूसिव और पार्टिसिपेटिव डिसीजन मेकिंग होना होगा। जो डिसीजन मेकिंग होगा वो ओपन होना होगा, इंक्लूसिव होना होगा, सभी लोगों को लेके होना होगा और सभी लोगों का हिस्सेदारी भी होना होगा। इससे क्या होगा, सभी लोगों का जो विचार है, समझ है, उनकी जो हानि लाभ हानि है, सभी चीज़ों को लेक में लेके ही कोई डिसीजन मेकिंग करना है। और इसके लिए विकेंद्रीकरण करना एक बहुत ही जरूरी चीज़ है। तो ये भी एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट का उद्देश्य है। और छठा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का उद्देश्य है वो है प्लान इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंस्टीट्यूशन संस्थानों का स्थापना करना है, जो कि गरीब जो विकसित देश, विकासशील देश जो भी है, पुअर नेशन से गरीब देश है, उनको सपोर्ट करे और उनकी रिक्वायरमेंट की मतलब सोच करे, उनकी रिक्वायरमेंट की पूर्ति के लिए ये काम करे, जिससे कि उनकी जो ग्रोथ टारगेट है वो अचीव हो और मतलब बिना नेचुरल वेल्थ और एनवायरमेंट को क्षति पहुंचाए। मतलब ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थान बनाना है, जैसे कि हमारा हो गया जो वर्ल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर हो गया, या जो भी आपका कल्चर एनवायरमेंटल जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हो गया बड़े बड़े विश्व स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, तो इस तरह का संस्थानों को स्थापना करना है, जिससे कि गरीब और जो विकासशील देश है उनकी जो ग्रोथ टारगेट्स है वो फुलफिल हो और एनवायरमेंट का भी क्षति ना हो और उनका जो नेचुरल वेल्थ है उसका भी क्षति ना हो। तो उनको विकसित देशों को भी हेल्प करना है उनकी टारगेट्स पूर्ति करने का, ये भी ऑब्जेक्टिव है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। और सातवां जो और जो अंतिम जो ऑब्जेक्टिव है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का वो है सीक पीसफुल कोएग्जिस्टेंस ऑफ ऑल नेशंस, मतलब जितने भी विश्व के देश है उनमें एक सौहार्दपूर्ण एक कोएग्जिस्टेंस बनाए रखना है, क्योंकि ये शांति ही है, पीस ही जो है जो मतलब नए नए टेक्नोलॉजी का इजाद करने के लिए एक वातावरण, अनुकूल वातावरण पैदा करता है, और जो कि ह्यूमैनिटी का, मानवता का लार्जर इंटरेस्ट की जो नीड है उसको फुलफिल करता है। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए जो अंतर्राष्ट्रीय ट्रीटीज है या जो आपका फाइनेंशियल या ट्रेडिटरी जो ऑब्लिगेशन है, जो नीति है, नियम है, जो ये है, उनको पूर्ति करना होगा और अंतर्राष्ट्रीय जो भी इंटरनेशनल जो एग्रीमेंट्स है उसको फुलफिल करना होगा,
हर नेशंस को या उनकी संस्थानों को, जिससे कि विश्व स्तर में एक पीसफुल एक इकोसिस्टम तैयार हो, क्रिएट हो, और जो कि मनुष्य का, मानवता का एक लार्जर जो इंटरेस्ट है उसको फुलफिल करे। तो दोस्तों ये था सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो मूल ऑब्जेक्टिव्स। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।